हेलो फ्रेंड्स, नारायण नारायण। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारी रसोई में। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही कम ऑयल में बनकर तैयार होने वाला पोहे का चिड़वा, जो कि हम रोस्ट करके बनाएंगे। तो आइए चलिए मेरे साथ देवरानी जेठानी की रसोई में। चिड़वा बनाने के लिए यहाँ हमने 4 कप पतले पोहे, जो नायलॉन पोहे हैं, ले लिए हैं। इसे अब हम एक पैन में ड्राई रोस्ट करेंगे। हमने कुछ भी तेल या घी का इस्तेमाल नहीं किया है, इसे हम यूं ही ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तकरीबन इसे 5 से 7 मिनट तक इसी तरह लो फ्लेम पर हम चलाएंगे, जब तक ये क्रंची ना हो जाए। देखिए, इसकी शेप थोड़ी चेंज होने लग गई है, हमारे ये रोस्ट हो चुके हैं। तड़का लगाने के लिए यहाँ मैंने पैन में 4 से 5 चम्मच ऑयल लिया है। ऑयल के गर्म होते ही इसमें हम 3/4 कप सिंगदाना डाल देंगे और अच्छे से इसे हम लो फ्लेम पर ही भून लेंगे 2 मिनट के लिए। अब इसके अंदर हम 1/2 कप रोस्टेड चना दाल ऐड करेंगे और इसे भी हम लो फ्लेम पर ही इसी तरह से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। देखिए, ये हमारा भून चुकी है। इसके अंदर हम ड्राई कोकोनट की स्लाइस जो है 1/2 कप हमने वो डाली है। सभी चीज़ों को हम अच्छे से इसी तरह से धीरे धीरे भून लेंगे। 1/2 कप यहाँ पे मैंने बादाम और काजू को काट के लिया है, उसे ऐड करेंगे। ये अच्छे से भून चुके हैं। अब इसके अंदर हम 1/4 कप किशमिश ऐड करेंगे, 1 चम्मच तिल ऐड करेंगे, साथ ही में हम इसके अंदर 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे। थोड़े से कड़ी पत्ता ऐड करेंगे अब, और 1 चम्मच हरी मिर्ची को अच्छे से क्रश कर लिया था तो उसका पेस्ट ऐड करेंगे। वो ऑप्शनल है, आप चाहे तो उसे स्किप भी कर सकते हैं। मसालों में यहाँ पे 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे, 1.5 चम्मच नमक ऐड करेंगे और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, हमारे मसाले भी अच्छे से भुन चुके हैं। अब इसके अंदर अब हम जो हमने रोस्ट कर कर रखे हुए थे पोहा, वो इसमें ऐड कर देंगे और बहुत ही हल्के हाथों से इसे मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं, इसीलिए टूट जाते हैं, तो इसे बहुत ही हल्के हाथों से मिक्स करना है। देखिए, ये चिड़वा बन गया है। अब इसके अंदर हम लास्ट में 1 चम्मच पाउडर शुगर ऐड करेंगे और 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर ऐड करेंगे। थोड़ा खट्टा मीठा टेस्ट आता है तो बहुत ही टेस्टी लगता है। आप अपने हिसाब से इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए, ये पूरी तरह से एकदम रेडी हो चुके हैं। ये हमारे रोस्टेड चिड़वा बनकर रेडी हो चुके हैं, बहुत ही कम ऑयल में बनकर तैयार हुए हैं और बहुत ही यम्मी लगते हैं। तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने कमेंट्स हमें शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।